Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of microbes in human welfare. So let's start the discussion. So, question number one, paas aata hai, which one of the following alcoholic drink is produced without the distillation? तो विदाउट डिस्टिलेशन जो अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस होगा उसके बारे में बताना है तो देखो अगर डिस्टिलेशन करेंगे तो जितना बेटा डिस्टिलेशन होगा उतना अल्कोहल कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसमें ऑब्वियसली नशा भी ज्यादा रहेगा ठीक है और विदाउट डिस्टिलेशन जो अगर आप चार ऑप्शन में से देखो विस्की जो है वो डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होती है रम एंड ब्रांडी ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन सो दे आर हैविंग अ गुड अल्कोहल कंटेंट वाइन जो है दैट इज विदाउट डिस्टिलेशन वाइन बियर ये विदाउट डिस्टिलेशन है तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है बेटा द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज फॉर इसको आप किस काम के लिए यूज कर सकते हो इन केस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर अगर देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन है किलिंग इंसेक्ट सेकेंड है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज

क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है बेटा व्हाट वुड हैपन इन इफ द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक इज रिड्यूस्ड जो आप सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हो एस तो वहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक है अगर उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाए तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन है इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर जो करेक्ट नहीं है क्योंकि हम फ्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पर द सेंटर ऑफ द फ्लॉक विल बिकम एनॉक्सिक क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो इट बिकम एनॉक्सिक which would causes the death of the bacteria and eventually the breakage of the flock definitely kyunki bacteria jo hai wo aerobic hain they are not getting the oxygen to wo khatam ho jayenge aur flock bilkul toot jayega to wo jo filtration ka kaam hai wo proper nahi ho payega hamare paas so that is a correct option for the question number 3 C option अगर आप देखो तो उसमें लिखा है कि फ्लॉक जो है बेटा उनका size increase हो जाएगा जो possible नहीं है क्योंकि oxygen availability नहीं है तो फ्रॉक बढ़ ही नहीं सकता डी है प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन अ लार्ज नंबर नो ग्रोथ ऑफ़ द प्रोटोजोआ तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए दैट विल बी द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर आता है बिग होल इन द स्विस चीज तो स्विस चीज बनाते हैं ना तो अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखो तो स्विस चीज में बड़े बड़े ऐसे होल्स आपको नजर आते हैं तो वो किस वजह से होते हैं विद्प ऑफ अ मशीन जो गलत है अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूज द मिथेन गैस नॉट एट ऑल मिथेनोजनज आर नॉट यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्विस चीज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाउ दैट इज करेक्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द बिग होल इन द स्विस चीज जो कि इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और डी ऑप्शन है फंगस दैट रिलीज अ लॉट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसिकली बेटा फंगस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है इट इज़ ड्यू टू द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द मिथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल डंग कैटल डंग से जो भी मिथेन गैस का देखो प्रोडक्शन किया जाता है विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द सी एच फोर या फिर आप इसको बायोगैस भी बोल सकते हो तो इसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसका क्या किया जाता है उसको जला देते हैं बिल्कुल भी नहीं बरेड कर देते हैं लैंड फिल्स में बिल्कुल भी नहीं इट कैन बी यूज एज अ मेन्योर इन द फील्ड बाय द फार्मर फार्मर जो है इसको एज अ मेन्योर यूज़ कर सकते हैं इट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप क्लियर तो इसमें दो काम हो गए एक तो गैस का प्रोडक्शन भी हो गया और जो रिमेनिंग मास था उसको हमने एज अ मेन्योअर भी यूज कर लिया और डी हमारे पास है यूज इन द सिविल कंस्ट्रक्शन जो बिल्कुल गलत है बेटा तो फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है मिथेनोजन डू नॉट प्रोड्यूस अब देखो वर्ड आता है फ्रॉम द मिथेन गैस और जेन का मतलब होता है प्रोडक्शन सो दीज आर द मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड मेथानोजेंस तो वो क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं देखो मिथेन तो प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि वो तो सबसे मेन गैस हो गई हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रोड्यूस होता है विद लिटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो देयर बट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द मिथैनोजन तो सिक्स में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन है बेटा एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक टू द एरिएशन टैंक ताकि हम इसको फटाफट से सेडिमेंटेशन टैंक से निकाल के एरिएशन टैंक में इंट्रोड्यूस कर सके सो दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट मटीरियल इट एब्जॉर्ब द पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर वाइल्स सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक जो कि गलत है हमारे पास क्लियर देन इट कैन बी डिस्कार्डेड एंड एनारोबिकली डाइजेस्टेड उसकी ज़रूरत नहीं है इसको हम रीयूज कर सकते हैं इट एब्सॉर्ब द कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर जो बिल्कुल गलत है तो सही ऑप्शन बना क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए दैट इज द ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट है बेटा द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं ना वेस्ट वाटर का एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मेन मोटो क्या है क्यों किया जाता है ताकि जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं हैवी पार्टिकल्स हैं उनको पानी से निकाल दिया जाए तो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इसमें नहीं होगा वो सेकेंडरी में होगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी नहीं होगा हार्मफुल बैक्टीरिया भी नहीं होगा इट इज़ अ रिमूवल ऑफ द स्टेबल पार्टिकल ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट तो ऐट का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर इन हमारे पास आता है बी ऑफ द वेस्ट वाटर दैट इज बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ आप बी को बेटा कैसे मेजर कर सकते हो बाय मेजरिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं बाय मेजरिंग द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर नॉट एट ऑल ऑक्सीजन एवोल्यूशन नो ऑक्सीजन कंजम्पशन बिल्कुल सही जो बैक्टीरिया वेस्ट का डिग्रेडेशन करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीजन करेंगे तो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा दैट विल शो द बी ओ डी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लियर तो नाइन्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द डी ऑप्शन Question number 10 hai beta The technology of the biogas production from the cow dung was developed in India largely due to the efforts of what? Or NCRT see the question hai pas, Gas Authority of India is not the right answer. Oil and Natural Gas Commission is not the right answer. It is a collaboration of the two different bodies actually. नंबर वन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज कॉल्ड आईएआरआई एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इनके एफर्ट्स की वजह से जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है इट वाज अस्टैब्लिश इन इंडिया एक्चुअली तो डी भी आपके पास गलत है तो टेन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन है माइक्रोराइजर डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट माइकोराइजा इज लाइक एन एसोसिएशन जो होस्ट प्लांट का किस में हेल्प नहीं करेगा इट एनहांस द फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी जो बिल्कुल ठीक है बेटा मिट्टी से न्यूट्रिएंट लेने की कैपेसिटी बढ़ा देता है इट इंक्रीज द टॉलरेंस टू द ड्रॉट कंडीशन ये भी बिल्कुल सही है एनहांस द रेजिस्टेंस टू द रूट पैथोजन ये भी बिल्कुल क्लियर है इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट नाउ दैट इज़ इनकरेक्ट इट डू नॉट इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट उनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाएगा रूट डिजीज से प्लांट को बचाएगा ड्रॉट के लिए उसको टॉलरेंट जरूर बनाएगा बट नॉट इन केस ऑफ द इंसेक्ट तो इलेवन का जो इनकरेक्ट ऑप्शन बना दैट इज एक्चुअली द डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 आता है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एविडेंटली प्रूव दैट द माइक्रोब रिलीज द गैसेज ड्यूरिंग द मेटाबोलिज्म तो देखो मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क मिल्क से दही बनना यानी कि लैक्टोस इनटू लैक्टिक एसिड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होता गैसेस नहीं प्रोड्यूस होती राइजिंग ऑफ द डॉ बाई द ईस्ट अब ईस्ट में जैसे सेखरोमाइसिस सेरेविसे है जिसको ब्रूअर ईस्ट भी बोला जाता है इट इज़ एक्चुअली यूज इन केस ऑफ मेकिंग डोसा इडली तो यू कैन सी कि उनका जो डॉ बनता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी सा बनता है क्योंकि उसमें हैवी अमाउंट में कार्बन डाईक्साइड का प्रोडक्शन होता है सो इट लुक फ्लफ़ी तो ये आपके पास बिल्कुल क्लियर है सी ऑप्शन है मेकिंग एल्कोहल फ्रॉम द मॉल्ट तो इसमें गैसेस का प्रोडक्शन नहीं होगा नन ऑफ द अबव आपके पास गलत है तो ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज द बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको लैब भी बोला जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ मिलता है मिल्क में मिलता है बिल्कुल सही Curd में तो obviously हो हो milk कर्ड में for the human body. तो ऑब्वियसली होगा ही होगा जब आप मिल्को कर्ड में कन्वर्ट करोगे इट कंटेन वेरी गुड अमाउंट ऑफ द लैप विच इज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सो इट इज हाईली न्यूट्रिशियस फॉर द ह्यूमन बॉडी तो सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्टीन दैट इन्क्लूड द बोथ ए एंड बी तो थर्टीन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आया बेटा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंजाई कौन सी फंजाई है जिसे हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं देखो पहला ऑप्शन है मोनस्कस इससे एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता प्रीनोसपोरा इज नॉट यूज फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन पेनिसिलियम इज डेफिनेटली यूज फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन विच इज कॉल्ड पेनिसिलिन राइजोपस इज नॉट यूज फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अगेन सो फोर्टीन का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज बेसिकली द सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इनकरेक्ट पेयर आपने बताना है बेटा तो देखो सबसे पहले है बायोगैस के सामने मिथेनोजन सही है मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन पेनिसिलियम के सामने है एंटीबायोटिक जो बिल्कुल करेक्ट है कर्ड के सामने है लैब दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगेन करेक्ट सिट्रिक एसिड के सामने है ट्राइकोडर्मा जो बिल्कुल गलत है ट्राइकोडर्मा इज अ फंजाई विच इज नॉट ज सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड इट इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया तो फिफ्टींथ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है बेटा रीड द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपने बताना है तो मोस्ट ऑफ़ द बायो फर्टिलाइजर आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रोब ज्यादातर जो बायो फर्टिलाइजर है वो हम माइक्रोब से निकालते हैं ठीक है क्लियर है वैम इज द एग्जाम्पल ऑफ द बायो फर्टिलाइजर गिविंग ऑर्गेनिज्म वैम का मतलब होता है वैसिक्यूलर आर्बेस्क्यूलर माइक्रोराइजर इट इज लाइक एन एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट ऑफ़ द हायर प्लांट्स क्लियर विच प्रोवाइड न्यूट्रीशन टू द प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड रूट डिजीज़ रेजिस्टेंट बना देता है तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है हमारे पास ठीक है देन उसके बाद हमारे पास है एस सी पी सिंगल सेल प्रोटीन इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास गलत आ जाता है तो सिक्सटीन में करेक्ट बनेगा सी ऑप्शन ओके सो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हैज़ इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट द रिवर फ्रॉम द वाटर पॉल्यूशन तो वाटर पॉल्यूशन से इन रिवर को बचाने के लिए कुछ बेसिक प्लान यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कुछ एक्शन प्लान स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम इन रिवर को नीट एंड क्लीन बना के रख सकें तो उसमें सबसे पहले दो मेन रिवर्स थी जिनके ऊपर ध्यान दिया गया दैट इज गंगा एंड यमुना तो उसके लिए एक था बेटा गैप विच इज़ कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान और एक आपके पास था याप दैट इज द यमुना एक्शन प्लान तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 में दैट विल बी द सी ऑप्शन दोनों प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रजर्व द टू प्रोटेक्ट द रिवर्स क्वेश्चन नंबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डंग ऑफ द रुमिनेंट एनिमल रुमिनेंट होते हैं जो घास फूस वगैरह खाते हैं काउस वगैरह हो गया बफ्लोज हो गया तो उनके वेस्ट मटीरियल से जो बायोगैस का प्रोडक्शन होगा वो कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं तो बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं बेसिकली बेटा आरके बैक्टीरिया ठीक है अब सबसे पहले देखो आर के बैक्टीरिया की बात करें तो इनको प्रिमेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है बहुत ही पुराने बैक्टीरिया हैं एंड दे आर लिटल डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया और इसमें तीन कैटेगरीज हैं सो वन ऑफ द कैटेगरी इज द मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो कि स्ट्रिक्टली एंड एरोबिक हैं उनको बोला जाता है मिथेनोजन्स तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर मिथेनोजन्स हैं जिन्होंने बायोगैस प्रोडक्शन करना है थर्मो आर नॉट यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन यू बैक्टीरिया तो बेटा मॉडर्न बैक्टीरिया हैं, दे आर नॉट यूज फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन हेलोफाइल जो है वो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है तो करेक्ट ऑप्शन जो बना क्वेश्चन नंबर 18 में दैट विल बी द बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस कौन सी कौन सी गैसेज का मिक्सचर है देखो सबसे इंपॉर्टेंट गैस तो बेटा मिथेन होगा ठीक है तो सी ऑप्शन में मिथेन रखा ही नहीं है तो वो तो निकाल दो डी ऑप्शन में इन्होंने नाइट्रोजन इंक्लूड कर दिया जो बिल्कुल गलत है नाइट्रोजन इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन द बायोगैस बी ऑप्शन में मिथेन के साथ दे हैव पुट कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज बेसिकली अ टॉक्सिक गैस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बायोगैस तो बचा ऑप्शन आपके पास ए इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द बायो कंट्रोल एजेंट बायो कंट्रोल एजेंट वो ऑर्गेनिज़्म हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है इंसेक्ट या पेस्ट को ताकि क्रॉप को कोई नुकसान ना पहुंचे ठीक है सो दे आर अटैकिंग ऑन स्पेसिफिक इंसेक्ट और पेस्ट बट दे नेवर डू एनी हार्म टू द क्रॉप तो इनको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट तो so, पहला है लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू तो गेट रेट ऑफ द एफिड्स इन द मॉस्किटोज जो बिल्कुल ठीक है बैसिलस थीन जैनस बैक्टीरिया यूज टू कंट्रोल द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर्स जो करेक्ट है आपके पास ट्राइकोडर्मा स्पीशीज ऑफ द फंजाई कैन बी यूज टू कंट्रोल द सेवरल प्लांट पैथोजन इच इज अगेन क्लियर तो यहाँ पर बेटा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में दैट विल बी द डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है वैक्यूलो वायरस वैक्यूलो वायरस इज अ काइंड ऑफ द वायरस विच इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियोपोली हिड्रोवायरस वो क्या नहीं शो करता है पहला ऑप्शन है इट डू नॉट शो होस्ट स्पेसिफिसिटी इट इज होस्ट स्पेसिफिक तो ये गलत है ठीक है एंड नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन ठीक है नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन नहीं शो करता है इफेक्ट ऑन द नॉन टारगेट पैथोजन नाउ दैट इज द आंसर नॉन टारगेट पैथोजन को नहीं अटैक करेगा पर्टिकुलर है तो एक पर्टिकुलर पैथोजन के ऊपर ही अटैक करेगा क्लियर तो ट्वेंटी वन में इट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट पैथोजन तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन ट्वेंटी सेकेंड है द मोस्ट कॉमन फंगल पार्टरन ऑफ द माइकोराइजर माइकोराइजर जो एसोसिएशन बनता है बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट एंड द फंजाए तो उसमें जो बेटा फंजाए का मैम्बर आता है ज़्यादातर केसेस में वो कौन से जीनस को बिलोंग करता है इट इज़ रिटर्न इन योर एन सी आर टी इसको अच्छे से याद कर लो दैट जीनस इज द ग्लोमस अजोटोबैक्टर इज बेसिकली अ बैक्टीरिया अजोला ठीक है ये एक फर्न का नाम है फ्रेंकिया बैक्टीरिया है तो फंजाई का जीनस बचा ग्लोमस तो ट्वेंटी थर्ड है कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द डिजीज बाय यूजिंग द माइक्रोब तो देखो पहले है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज अगेंस्ट द सर्टेन प्लांट पैथोजन क्लियर ये ठीक है आपके पास न्यूक्लोपोलीट्रोवाइरस अगेंस्ट द वाइट रस्ट इन ब्रासिका इट इज़ नॉट यूज अगेंस्ट द वाइट रस्ट बीटी कॉटन टू इंक्रीज द कॉटन ईल्ड ये बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है हम आपके पास ठीक है देन उसके बाद है लेडी बर्ड बीटर अगेंस्ट द एफिड इन द मस्टर्ड नॉट इन केस ऑफ द मस्टर्ड तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन बना ट्वेंटी थर्ड में दैट विल बी द ए ऑप्शन दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ द पेस्ट एंड द डिजीज बाई यूजिंग द माइक्रोब्स ट्वेंटी फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एबजॉर्बशन ऑफ द फॉस्फॉरस फ्रॉम द सॉयल बाय द प्लांट तो प्लांट तो देखो न्यूट्रियट अगर एबजॉर्ब करते हैं बेटा सॉयल से तो डेफिनेटली वो रूट्स के थ्रू करते हैं और इस चीज़ को एनहांस करने के लिए रूट्स आर लाइक फॉर्म अ रिलेशनशिप विद द फंजाई तो दैट इज़ द एसोसिएशन विच इज़ कॉल्ड द माइकोराइजल एसोसिएशन जो कि इनटेक को बढ़ा देती है फॉस्फोरस के इनटेक को स्पेशली और उसमें फंजाए की मोस्ट कॉमन वेराइटी कौन सी है ग्लोमस क्योंकि बेटा नॉन बैक्टीरिया है एनाबीना बैक्टीरिया है ईस्ट जो है वो फंजाए है बट इट इज़ यूनिसेलुलर इट डू नॉट फॉर्म द माइकोराइजर तो माइकोराइजा बनाने के लिए फंजाई का कौन सा जीनस है ग्लोमस विच इंक्रीज द एब्जॉर्बशन ऑफ द फॉस्फॉरस बाय द प्लांट रूट तो ट्वेंटी फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन ट्वेंटी फिफ्थ है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द पैडी फील्ड बायो फर्टिलाइजर के तौर पर आप पैडी फील्ड में किसको यूज कर सकते हो जो कि पैडी फील्ड की प्रोडक्टिविटी और सॉइल की फर्टिलिटी दोनों को इंक्रीज़ करेगा एनाबेना आप यूज कर सकते हो एनाबेना इज बेसिकली अ ब्लू ग्रीन एलगी विच कैन बी यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी और द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉयल बिकॉज इट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन एजो स्पाइरिलम हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते नॉन स्टॉक आप कर सकते हो विच इज अगेन अ हिट्रोसिस्टस ग्लूग्रीन एलगी तो ये दोनों बेटा काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का विच एक्चुअली इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है ट्वेंटी फिफ्थ में दैट इज़ द डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द एजोस्पायरिलम एनाबीना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया अब देखो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सर सारे बेटा नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है ऑसिलेटोरिया तो बिल्कुल भी नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता एनाबीना नॉस्टॉक करते हैं तो ये आप इन चारों पे अप्लाई नहीं कर सकते प्रो कैरियॉटिक ऑर्गेनिजम आप इन चारों पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये चारों के चारों बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया को ठीक है सी ऑप्शन नहीं हो सकता डी में बेटा यू कैरिओटिक है जो अगेन पॉसिबल नहीं है बिकॉज बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रो कैरियोट तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन 27 है इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज द फ्लोटिंग डैबरी इज रिमोट बाय द सिक्वेंशियल बाय पासिंग थ्रू द वायर मैश स्क्रीन एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस इज फॉर फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन अब देखो इवेपोरेशन आपको पता है क्या होता है वाटर वेपर्स निकल जाते हैं एयर में कंडेंसेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज नॉट द पॉइंट बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्लोटिंग डैबरी को रिमूव कर रहे हैं बाई पासिंग इट थ्रू द वायर मैश स्क्रीन वो जाली जैसी होती है ना उनसे पास करवा के तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है

मिट्टी है कंकर है पत्थर है ठीक है इन चीज़ों को कैसे आप रिमूव कर सकते हो अब देखो इनको फिल्ट्रेशन से आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं पतले जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन में भी निकल जा सकते हैं पास हो सकते हैं वायर मैश के थ्रू कोई हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं है कि वो ना निकलें ठीक है तो दूसरी बात कंडेंसेशन अगेन लॉस ऑफ वाटर है वो हम नहीं ले सकते एवेपोरेशन इज नॉट द राइट आंसर तो करेक्ट जो हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन बी का मतलब है सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन में जितना भी देखो हैवी मटेरियल है जो भी हैवी चीजें हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं तो ऊपर जो भी रहेगा वो सारा क्लीन मटीरियल रहेगा क्योंकि हैवी चीजें जो वेस्ट हैं वो सेटल डाउन हो गया दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन जिसके थ्रू आप सॉयल और जो ये छोटे मोटे पत्थर या कंकर हैं इनको रिमूव कर सकते हो इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन 29 है बेटा व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द एन एरोबिक्स लज डाइजेस्टर अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो एनरॉबिक्स स्लज डाइजेस्टर हम यूज़ करते हैं या नॉर्मली जैसे हम बायोगैस प्लांट का एग्जाम्पल ले लें वो भी एक एनेरबिक डाइजेस्टर है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो होता नहीं है तभी तो मैथानोजन ग्रो करते हैं तो उसमें बेसिकली किसका प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन जो होगा वो होगा मिथेन का हाइड्रोजन सल्फाइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का ऑक्सीजन तो देखो हो ही नहीं सकती क्योंकि एनेरबिक कंडीशन है हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते जरूर है लेकिन सबसे मेन पार्ट होता है के द्वारा जो तो जो गैस प्रोड्यूस होगी दैट इज तो करेक्ट ऑप्शन ट्वेंटी नाइन के लिए दैट विल बी द बी ऑप्शन थर्टी एथ हमारे पास है इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज द मासेज ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय द फंगल फिलामेंट दे फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर तो उसको क्या बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है बिल्कुल भी नहीं एरोबिक प्रोसेस प्रोसेस नहीं है इसको बेटा फ्लॉक्स बोला जाता है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं फ्लॉक्स मतलब बैक्टीरिया के कॉलोनीज हैं और बीच में फंगल के हाइफे हैं फिलामेंट्स हैं सो दे फॉर्म अ फिल्ट्रेशन काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द फ्लॉक्स तो थर्टी में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास सी ऑप्शन थर्टी फर्स्ट आता है गिवन बिलो इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट और इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है ए बी देन सी देन डी और ई पूरा फ्लो चार्ट आपको दिया है तो सबसे पहले बेटा देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक प्राइमरी स्लज और एक एफ्लुएंट दो चीज़ें निकल गई स्लज तो हमने निकाल के साइड पे कर दिया जो एफ्लुएंट है यानी कि जो लिक्विड वेस्ट है उसको हमने प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाल के सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया तो जब हम उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजेंगे तो किस में डालेंगे किस में डालेंगे तो इसमें सबसे पहले उसको डालेंगे लार्ज एरिएशन टैंक में सो दिस इज़ लार्ज एरिएशन टैंक उसके बाद उसका करते हैं एजिटेशन रगड़ना घिसारना ब्लेंड करना एक तरीके से ताकि हैवी चीज़ें अलग हो जाएँ फिर फ्लॉक्स की ग्रोथ होगी तो बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करेंगे बाय कंज्यूमिंग द ऑक्सीजन क्लियर तो ये होगा आपके पास बी क्लियर देन एक्टिवेटेड स्लज आएगा सेडिमेंटेशन के बाद डी और ई e का मतलब है एनिरोबिक स्लज डाइजेस्टर तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपके पास बेटा डी ऑप्शन बनेगा पॉइंट क्लियर तो थर्टी फर्स्ट में डी इज द राइट ऑप्शन 32 है इन द सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन अ सेटलिंग टैंक और इस सेडिमेंट को क्या बोला जाता है दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज प्राइमरी स्लज आप इसको नहीं बोलोगे प्राइमरी तो निकल गया पहले से ही एन एरोबिक स्लज नहीं बोला जाता सेकेंडरी भी नहीं बोला जाता इसको पर्टिकुलर बेटा एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है एक्टिवेटेड तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन थर्टी थर्ड है हु ऑब्जर्व अ मॉल्ड ग्रोइंग इन एन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट वाइल वर्किंग ऑन द स्टेफाइलो काकीस बैक्टीरिया तो स्टेफाइलो काकस बैक्टीरिया के ऊपर जो साइंटिस्ट काम कर रहा था दैट वॉज़ अलेक्जेंड्र फ्लैमिंग ठीक है तो उन्होंने देखा कि जो अन वॉश्ड कल्चर्ड प्लेट है उसमें ग्रोथ नहीं हो सका बैक्टीरिया uh, का क्योंकि वहाँ पर एक माउल्ड ग्रो कर गया तो दैट वॉज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय विच साइंटिस्ट इट वॉज ऑब्जर्व बाय एलेक्जेंड्रा फ्लैमिंग दिस इज द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट जो एन में भी आपका डिस्कस है चेन लेमार्क फ्लोरे इनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है द एग्जैक्ट आंसर इज एलेक्जेंड्रा फ्लैमिंग दैट इज़ द बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट द अमेरिकन शोल्जर विच आर वॉन्टेड इन द वर्ल्ड वॉर टू तो वर्ल्ड वॉर टू में जो शोल्जर जख्मी हुए थे उनको ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज किया गया था उस टाइम पे एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा दैट वॉज एक्चुअली द पेनिसिन बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड उसी टाइम पे डिस्कवर्ड हुआ था फिर इसका पता लगा कि ह्यूमन वेलफेयर में इसको यूज़ किया जा सकता है तो इसको काफ़ी हाई रेट पे इसको यूज़ भी किया गया था स्ट्रेप्टोकाइनेस इज़ नॉट एक्चुअली एन एंटीबायोटिक स्टैटिन इज नॉट एन एंटीबायोटिक नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है लेकिन उसको तब यूज़ नहीं किया गया था तब जो यूज़ हुई थी दैट वॉज पेनिसलिन तो थर्टी में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ द बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव पे चलते हैं हु गॉट द नोबल प्राइज इन द नाइनटीन फोर्टी फाइव फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीआरटी में भी दिया है बेटा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है तीन साइंटिस्ट का पहले तो देखो अलेक्जेंडर ऑफ फ्लैमिंग है आपके पास हु एक्चुअली डिस्कवर्ड it, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरे भी लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर इसका मोड ऑफ एक्शन बताया था तो थर्टी फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल ऑफ दर्टी सिक्स आता है एंटीबायोटिक आर यूज टू ट्रीट द डिजीजेज लाइक डिपथीरिया होपिंग कफ़ दोनों के लिए यूज होगा प्लेग के लिए भी यूज़ होगा लेप्रोसी के लिए भी होगा बिकॉज जो कॉमनली बेटा ये जो डिजीज़ हमारे पास है मोस्टली ये सारी हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ हैं तो बैक्टीरियल डिजीज को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं जो बैक्टीरिया से भी निकाली जाती हैं फंजाई से भी एक्सट्रैक्ट की जाती हैं तो थर्टी सिक्स में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव Question number thirty-seven is which one of these microbes is used in the commercial production of the? बुटैरिक एसिड बुटैरिक एसिड बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया और उसका स्पीशीज का अगर आप नाम देखो बेटा उसमें आता है बुटाइलिकम तो नाम से क्लियर है इट इज द बैक्टीरिया विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बुटैरिक एसिड स्ट्रैप्टोकोकस बुटाइलिकम नहीं होता है ट्राइकोडर्मा फंगस है सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई ईस्ट है विच आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बुटैरिक एसिड सो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में दैट विल बी द ए ऑप्शन 38 आता है बेटा मोनेस्कस परप्यूरियस इज एन ईस्ट व्हिच इज यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ पहला ऑप्शन है इथेनॉल यानी कि अल्कोहल इसमें इसको नहीं यूज किया जाता स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ठीक है क्लॉट होता है कि ब्लड जम जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए जो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज होगा बोलते कि वो बनता है मोनेस्कस से क्लियर ये आप लोगों के पास हो गया गलत सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज नॉट फ्रॉम द मोनेस्कस इट इज फ्रॉम द बैक्टीरिया ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग स्टैटिन नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन मोनेस्कस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड स्टैटिन एंड स्टैटिन इज एक्चुअली यूज फॉर लोवरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्लियर तो 38 में करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका डी ऑप्शन थर्टी है बेटा चोज द पेयर लाइपेजिस के सामने लिखा है यूज इन केस ऑफ डिटर्जेंट फॉर रिमूविंग द ऑयल स्टेन यूज किया जा सकता है बिकॉज इट पर्टिकुलरली डाइजेस्ट द फैट और द फैटी सब्सटेंस तो इसको यूज किया जा सकता है पैक्टिनेस यूज इन क्लैरिफाइंग द बॉटल जूसेस बिल्कुल क्लियर है मोनेस्कस परप्यूरस Competitively inhibiting the enzyme responsible for the cholesterol synthesis. ये भी क्लियर है जो इन्जाइम कोलेस्ट्रॉल बनाएगा उसके साथ ये competitively inhibit कॉम्पिटिशन करेगा ताकि उस एंजाइम को रोक सके सो देर विल बी नो मोर प्रोडक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इट लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्लियर फिर उसके बाद हमारे पास आता है डी ऑप्शन नन ऑफ द अब तो ऑब्वियसली बेटा सारे क्लियर हैं इनकरेक्ट पेयर नहीं है यहां पर तो 39 का करेक्ट ऑप्शन बना फोर्टी एथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर क्लॉट बस्टर होता है ब्लड क्लॉट को जो डिजोल्व करते फॉर रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हुव अंडर गॉन द माओकार्डियल इन्फाक्शन दैट इज द हार्ट अटैक तो उसमें ब्लॉकेज होता है क्योंकि कॉमनली ब्लड क्लॉट बन जाते हैं तो क्लॉट को इमिजिएट रिमूव किया जाता है डिजोल्व किया जाता है ताकि पेशेंट को बचाया जा सके इथेनॉल आप यूज़ नहीं करोगे स्टैटिन का कोलॉट बस्टर में कोई रोल नहीं है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव है तो बच्चा आपके पास स्ट्रेप्टोकाइनेस विच एक्चुअली एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर तो फोर्टी में करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास डी ऑप्शन फोर्टी वन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल आपके पास देखो एक कॉलम में माइक्रोव्स हैं दूसरे में उनका प्रोडक्ट है तीसरे में उनकी एप्लीकेशन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट 2016 में भी आ चुका है सो वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोब में पहले है मोनेस्कस प्रोडक्शन है स्टैटिन का, का काम करता है लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बिल्कुल ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस है बैक्टीरिया का नाम उससे बनाते हैं स्ट्रैप्टोकाइनेस जो कि क्लॉट का रिमूवल करेगा करेक्ट है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है लाइपेस निकाला जाता है जो ऑयल स्टेन रिमूव करता है क्लियर है आपके पास ठीक है देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन आती है डी ट्राइकोडर्मा पॉली अब आप ट्राइकोडर्मा को चेक करो जरा यहाँ पे अभी ट्राइकोडर्मा जो है ना वो बेसिकली आप लोगों के पास फंगल स्पीशीज है बेटा ट्राइकोडर्मा क्या है फंगल तो उनसे बोलते साइक्लोस्पोरिन ए बनता है और साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव है मतलब वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और इसको यूज किया जाता है ड्रग को वेन एवर देर इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो ये हमारे पास क्लियर है एक्चुअल में जो आपके पास है एंजाइम लाइपेस इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द क्लॉस्ट्रीडियम रिमूवल तो करेगा लेकिन सोर्स का नाम गलत आपको दिया है तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन बना मतलब जो रॉन्गली मैच है वो सी है आपके पास बेटा तो करेक्ट ऑप्शन आता है सी फोर्टी टू है ब्रूअरीज जिसको कि बेकिंग इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलियम नोटेटम इट इज़ यूज फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्विस चीज़ बचा सेखरो जो बेसिकली ईस्ट है फंजाई है विच इज़ नोन एज द ब्रूअर ईस्ट दैट इज़ इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक डिस्टिलेटेड एंड नॉन डिस्टिलेटेड तो फोर्टी टू में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डी ऑप्शन फोर्टी थर्ड है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो देखो सबसे पहले इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाई द फर्मेंटेशन ऑफ द माल्टेड सीरियल्स एंड द फ्रूट जूसेस फर्मेंटेशन का मतलब होता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दर इज अ ब्रेक डाउन तो उससे बोलते हैं कि हमारे पास इथेनॉल प्रोडक्शन होगा जो कि गलत है वाइन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन ठीक है विदाउट डिस्टिलेशन क्लियर है वाइन uh, जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन ही हम प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट बहुत कम होता है सेकेरोमाइसिस इज यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग आप इसको ब्रेड मेकिंग के लिए यूज कर सकते हो बिल्कुल क्लियर है ये भी आपके पास ब्रेड मेकिंग में वो बनते हैं ना डो बनाते हैं होल uh, भी होते हैं उसमें सा होता है बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उसमें बेकिंग ईस्ट यूज होता है बेकिंग सकेरोसिस सर्विसे डी आपके पास है ऑल ऑफ द अबव तो फर्मेंटेशन से आप अल्कोहल प्रोडक्शन कर सकते हो विदाउट डिस्टिलेशन आप वाइन और बियर बनाते हो जिनमें अल्कोहल कंटेंट बहुत ही कम है सेकेरोमाइसिस को हम ब्रेड मेकिंग में यूज कर सकते हैं इसलिए इसको बेकिंग ईस्ट भी बोला जाता है तो करेक्ट ऑप्शन फोर्टी थर्ड में बनता है डी ऑप्शन फोर्टी फोर है बेटा द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट अब नॉर्मली देखो क्या है इन्होंने बोला है प्रोटीनेशियस तो प्रोटीनेशियस का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ यहाँ पर प्रोटीन कोट पड़ा है विच इज एक्चुअली हाईली इंफेक्शियस दैट कैन कॉजेज द डिजीज क्लियर और दूसरा जब आप ऑप्शन चेक करो तो देखो पहला ऑप्शन आपको वीरोयड्स दिया हुआ है वीरॉयड्स जो होते हैं वो विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं तो दैट इज नॉट द राइट आंसर प्रियोन दिया है आपको प्रियोन इज द राइट वन प्रियॉन आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट द डीएनए विदाउट द जेनेटिक मटीरियल सो पी फॉर प्रीओन पी फॉर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस ट्राई टू लर्न दिस तो फोर्टी फोर में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन क्योंकि बेटा सी में प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ आर नॉट द इन्फेक्शियस बैक्टीरिया आर नॉट द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस क्योंकि पर्टिकुलर मैंशन है ना क्वेश्चन में प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट सो दैट इज बेसिकली द प्रियन्स फोर्टी फिफ्थ हमारे पास है बेटा द न्यूट्रिएटिव मीडियम फॉर ग्रोइंग द बैक्टीरिया एंड द मैनी फंजाई इन द लेबोरेट्री लैब में आपने बैक्टीरिया फंजाए को ग्रो करना है तो जो न्यूट्रिटिव मीडियम उनको प्रोवाइड किया जाता है डेफिनेटली उसको कल्चर मीडियम बोला जाता है जिसमें वो प्रोलीफरेट करते हैं डिवाइड करते हैं सो टू मेक द कॉलोनी फर्मेंटेशन मीडिया उसको नहीं बोला जाता इट इज़ नॉट नोन एज द बेकिंग मीडिया इट इज़ नोन एज द कल्चर मीडिया सो फोर्टी फिफ्थ में करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास ए ऑप्शन क्लियर दैट इज़ द कल्चर मीडिया so that's all for this lecture this lecture include all the previous year and the other practice question of the topic of microbes in human welfare hope you are enjoying the benefits of our courses thank you and bye bye